हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों का वज़न बढ़ाने वाली हेल्दी वेट गेन सेरेलैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से सेरेलैक्स बनाकर घर पर ही तैयार करेंगे तो मार्केट से भी बढ़िया सेरेलैक्स घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम बजट में। और आप ये घर पर ही बना हुआ सेरेलैक्स अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों का वज़न भी बढ़ने लग जाएगा, वो भी हेल्दी तरीके से। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी सेरेलैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 4 छोटे चम्मच चावल, जो साबुत चावल लिया है। आप चाहे तो टुकड़ी वाला चावल भी ले सकते हैं। 5 से 6 काजू लिए हैं। 10 से 15 मैंने बादाम ली है, ये देखिए। और 2 छोटे चम्मच मूंग की दाल बिना छिलके वाली, 2 छोटे चम्मच मूंग की दाल छिलके वाली, और 1.5 छोटा चम्मच चने की दाल ली है, 2 छोटे चम्मच मूँगफली। साथ ही हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 छोटे चम्मच तुअर की दाल। तो इसमें से जो भी सामग्री आप चाहें तो घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और सबसे पहले हम सभी सामग्री को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसे वॉश करने के लिए थोड़ा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है मैंने, और ये जो सभी सामग्री है इसे हम डाल देंगे बाउल में। और इसी के साथ अब इसमें हम बादाम, मूँगफली और काजू भी ऐड कर देंगे। तो सभी चीज़ें हमने बाउल में डाल दी हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी डाल देंगे और इसे देखिए इस तरह से अच्छे से मसलते हुए इसे 2 से 3 बार अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और इसका सारा एक्स्ट्रा जो भी पानी है इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दूसरा मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके ऊपर हम छलनी लगा देंगे और ये जो वॉश की हुई सभी सामग्री है इसे हम छलनी के ऊपर डाल देंगे। और अब इसे हम छलनी के ऊपर ही फैला देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो लगभग 2 मिनट के लिए मैंने इसे छलनी के ऊपर ही छोड़ दिया था, और ये देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल गया है। और अब इसे हम सुखा लेंगे। तो इसे सुखाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर ये जो वॉश की हुई सभी सामग्री है इसे हम डाल देंगे। और अब इसे हम फैला देंगे और इसे सुखा लेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, जिससे कि इसमें जो भी नमी होगी और पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए मुझे आधा घंटा हो चुका है इसे सुखाए हुए। ये देखिए अच्छे से ये सूख गया है और इसकी नमी भी निकल गई है। तो एक बार आप इसे ये देखिए इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और अब हम सभी सामग्री को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है और ये हल्का गर्म हो चुका है। तो अब इसे हम डाल देंगे पैन में और इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल भी सकता है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए इसे रोस्ट करते हुए मुझे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अच्छे से ये रोस्ट भी हो चुका है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल कर इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम फैला कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं और क्रिस्पी भी हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सभी चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने और रोस्ट की हुई सभी सामग्री को अब हम जार में डाल देंगे। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और एकदम बारीक पाउडर इसका बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। तो इसे हम छान लेंगे और सभी सामग्री को अब हम छलनी के ऊपर डाल देंगे और अब इसे हम छान लेंगे। और ये बहुत ही आसान तरीका है घर पर ही सेरेलैक्स बनाने का। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी सेरेलैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सभी सामग्री को मैंने छान लिया है
और ये जो पार्ट बच गया है इसे अगली बार जब भी आप सेरेलेक्स बनाएं तो इसके साथ आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। और अब ये हमारा होममेड सेरेलेक्स बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब इसे हम हाथों हाथ एयरटाइट जार में भी भरकर रख लेंगे जिससे कि इसे यूज़ करने में आसानी रहेगी। और आप इसे इस तरह से बनाकर लगभग एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने इसे जार में भर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बच्चों के लिए कैसे बनाना है। तो ये देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये पैन ले लिया है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच भरकर सेरेलेक्स पाउडर डाल देंगे। तो आप सेरेलेक्स पाउडर की क्वांटिटी बच्चे की डाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो एक बड़ा गिलास भरकर पानी हम पैन में डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है और अब इसे हम गैस पर रख कर पका लेंगे। तो मैंने इसे गैस पर रख दिया है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। तो एक बार इसे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और बीच में चम्मच चलाकर हम इसे चेक करते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चुटकी नमक। तो अगर आप इसे 10 महीने से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं, 10 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे इसे और इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो फूड को पकाते हुए टोटल मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं और अभी हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो फूड अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार हो चुकी है आपके घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी सेरेलेक्स रेसिपी। और देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी इसी तरह से बहुत ही कम बजट में और बहुत ही बढ़िया सेरेलेक्स घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।